Yeah. रात के 10 बजे ना मैं अभी नागालैंड के गांव के लोगों के साथ में यहां पे हॉर्नेट पकड़ने के लिए जा रहा हूं भाई। That's why I came north east to experience that kind of things. हम लोगों ने हॉर्नेट निकाल लिए लेकिन they all are dead now. अभी सीधा जाएंगे पेट में। ओ भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है ये। क्रिकेट इन हिंदी? Yes. I don't know. ना सर ये don't know. You know? Yes. What? No, not tell you. हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग भाई। कल हम लोग गए थे दीमापुर घूमने के लिए, दीमापुर घूम के आए हैं और कल रात को यहीं पे आके रुक गए थे इसी जगह पे, क्योंकि मेरे को ना वापसी कोहिमा की तरफ को जाना था और फिर मैं वहां से नागालैंड एक्सप्लोर करना अपना स्टार्ट करूंगा। इस मैं जगह पे रुका हुआ था और ये जो जगह है ना ये हमारे भाई जी की है। हेलो भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। भाई का नाम किकरू और भाई का यूट्यूब चैनल भी है किकरू 147। तो भाई जाके भाई का चैनल सब्सक्राइब करना। जितने भी नागा लोग अभी मेरी वीडियो नागालैंड में देख रहे हैं या जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं कहीं से भी, प्लीज़ भाई को सब्सक्राइब करो। भाई ने अभी नया नया चैनल बनाया और भाई को थोड़ा मोटिवेट करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि भाई और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए, ठीक है। और किकरू भाई का ये बहुत जल्दी यहाँ पर रेस्टोरेंट खुलने वाला है, तो ये भाई ने जगह रेंट पर ली हुई है, तो अभी भाई का काम स्टार्ट हुआ नहीं है, तो भाई ने बोला कि आप यहाँ पर ठहर जाओ। तो अच्छी जगह थी भाई, वैसे कह रहे थे कि घर पे रुको आप मेरे, लेकिन मेरे को वैसा अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगी, सेफ, और मेरे को एडिट वगैरह भी करना होता है ना, तो मेरी वजह से कोई और भी डिस्टर्ब ना हो, तो इसकी वजह से मैंने कहा ये जगह ठीक है। और सुबह सुबह किकरू भाई ना मेरे लिए अपने घर से डिनर लंच बना के लाए हैं। बाकी डिनर के लिए भी बोले थे कल, तो डिनर वैसे मैं लेके आ गया था बाहर से, लेकिन भाई कह रहे थे कि मैं आपके लिए घर से बना के लाता हूँ। ओ ये क्या है, फिश है भाई? फिश एंड सब्जी, ओके ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके चलो खाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपना आगे की तरफ को। ये क्या भाई, दाल? आलू दाल, ओके चलो जी। इस डिस्को क्या बोलते हो आप, इसको क्या बोलते हो डिस्को? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। मैंने मतलब नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ खाया है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, इसका कुछ नाम भी होता है क्या इस डिश का? नहीं, कोई नाम नहीं है, ये आपने अपने स्टाइल में बनाया है। बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है टेस्ट, मतलब बिल्कुल जैसे हम लोग मसाले खाते हैं ना, चटपटा और खट्टा मीठा, बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी ना मैं इसी विलेज में हूँ, इस विलेज का नाम है सेचू जुब्जा। तो अभी थोड़ा सा ना मैं आपको ये विलेज दिखाता हूँ। मेरे साथ में जो भाई हैं जिन्होंने मेरे को होस्ट किया है ना, वो हैं और वो भी एक यूट्यूबर है, तो वो मेरे को अपना पूरा विलेज दिखाने वाले हैं अच्छे से। तो चलो आपको सेचू जुब्जा विलेज दिखाते हैं, नागालैंड का कोई पहला विलेज होगा जो मैं एक्सप्लोर करूँगा। चलो भाई निकलते हैं भाई के साथ में। चले भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बैठो हमारी बाइक पर, आज भाई के गाँव को घूम के आते हैं। सेचू जुब्जा, क्या नाम था? सेचू जुब्जा। This is your school, हाँ? स्कूल भी बिल्कुल वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है। स्कूल का गेट वगैरह किस साइड जाना है, लेफ्ट राइट? सो भाई अभी ना अपने गांव के एक स्कूल में हमको लेके आया, और ये गांव का स्कूल लग नहीं रहा यार, क्योंकि ये गांव भी गांव नहीं है। इस गांव के अंदर भी ना 4-5 गांव है, मतलब ये एक बड़ा टाउन टाइप का है, ठीक है। और ऐसा कुछ गाँव है भाई, और ये ऐसा कुछ स्कूल है भाई, स्कूल काफ़ी बड़ा है भाई। और यहाँ पे भी ना मतलब नागालैंड के आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, इनका जो एंट्री होती है ना वो कुछ इसी तरह की होती है। यहाँ स्कूल की भी एंट्री देखो, कुछ बढ़िया तरीके से नागालैंड कल्चर स्टाइल में बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बस नेम शर्मा, शमीमा एंड योर्स
भाईया नहीं माया नहीं एंड योर्स सोनम 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 कपूर विच क्लास यू स्टडी क्लास टू एंड सी इज योर टीचर टीचर मिस अंगुनो क्रिकेट इन हिंदी Yes. I don't know. Now say you don't know. You know? Yes. What? I will not tell you. I'm going to tell you. So, भाई सबसे पहले ना एक व्यू पॉइंट पे चल रहे हैं जहाँ से भाई का पूरा गांव वगैरह दिखेगा बढ़िया से और वहाँ पे कोई वाटर स्टोरेज का कुछ है तो वो भाई मेरे को दिखाना चाहते हैं तो उधर चल रहे हैं सबसे पहले रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है बाइक चलाने के लायक है आराम से चल सकती है बाइक इस पर तो गाइस सबसे पहले ना भाई मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं ये एक जगह है यहाँ पे ये लोग थोड़ा चिल पिल करने के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है भाई बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे एक लेक टाइप का भी बना हुआ है छोटा सा लेकिन ये रेन वाटर कंजर्वेशन स्टोरेज के लिए भाई इसमें जो बारिश का पानी आता है सारा इकट्ठा होके ऊपर ऊपर से भी सब इसमें इकट्ठा हो जाता है तो बाद में ये लोग खेती के लिए फार्मिंग के लिए इस पानी का यूज़ करते हैं क्या बोलते हो ओके तो भाई सामने जो छोटा सा टावर लगा आपको देख रहा है मुझे लगा कि भाई साहब इन लोगों ने अपना प्राइवेट नेटवर्क का टावर लगा रखा है लेकिन ये वेदर फोरकास्ट चेक करने के लिए तो भाई बता रहे थे कि जैसा वेदर होता है जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह एयर वगैरह जिस टाइप के होते हैं उससे नीचे इसमें कुछ मैट्रिक्स बने हुए पता लग जाता है जो लोग जो ऑपरेटर वगैरह होता है जो उसमें कि भाई रेन होगा कि नहीं होगा और तूफान उफान तो नहीं आने वाला वो इसमें पता लग जाता है जब भाई का गांव ना वैसे तो ये गांव है लेकिन भाई साहब गांव के अंदर ना गांव का अपना एक स्पोर्ट्स क्लब है तो यहां पे जितने भी गांव के एथलीट वगैरह हो गए स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए सारे इसी में रहते हैं इनका हॉस्टल भी है और यहां पे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं तो देखो कल इनका एक मैच था तो ये मैच जीत के आए हैं तो अभी सब लोग आराम कर रहे हैं अंदर हट में अभी मिलेंगे सबसे एक इधर भाई हैं हेलो भाई कैसे हो यू प्ले फुटबॉल ओके फुटबॉल एंड रेसलिंग ओह वाओ और ऐसा कुछ है इनका हॉस्टल और यहाँ पे भाई साहब एक ना टेबल टेनिस रखा हुआ भाई भाई मेरे को टेबल टेनिस बहुत पसंद है लास्ट जो मेरा ऑफिस था ना भाई वहाँ पे हम लोग मेरे दोस्त और मैं भाई बहुत टेबल टेनिस खेलते थे तो इसको देख के ना वो यादें ताज़ा हो गई वो वाली कि हम कैसे भाई साहब ऑफिस में पूरे दिन भर हम टेबल टेनिस ही खेलते रहते थे क्योंकि ऑफिस में मन तो लगता नहीं था काम करने में तो टेबल टेनिस ही खेलते थे अब भाई को आता थोड़ा सा टेबल टेनिस खेलना तो भाई के साथ एक गेम खेलते हैं उसके बाद आगे जाएंगे भाई साहब 15-20 मिनट गेम खेली बड़ा मज़ा आया भाई थैंक यू भाई बहुत दिनों से मिस कर रहा था मैं टेबल टेनिस को यार आज खेल ही लिया अब इनके जो प्लेयर है ना फुटबॉल प्लेयर उन भाइयों से मिलते हैं अभी तो लोग सो रहे हैं शायद वो लोग भाई हम लोग आ चुके हैं भाई मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे ना इस जगह पे जो ये स्पोर्ट्स क्लब है ना ये फुटबॉल प्लेयर्स का है और यहाँ पे कोई ना एक लीग होने वाली है कोहिमा में कोहिमा में लीग होने वाली है तो उसके लिए भाई लोग सारे अलग अलग पार्ट से नागालैंड के इकट्ठे हुए हैं इस स्पोर्ट्स क्लब में एंड व्हाट्स योर नेम ब्रो माय नेम इज जेम्स 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 कितान कितान नाइस टू मीट यू जेम्स एंड जेम्स इज कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम यस सिचान जुमजा ऑफ फुटबॉल क्लब दिस विलेज ओके नाइस टू मीट यू बाकी भाई ने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि भाई ने कई कई टीम के साथ प्लेयर किया तो मेरे को तो उनके बारे में नहीं पता है Can you repeat once again? Okay, मैं गोकुलम के लिए खेला हूँ और अभी रिसेंटली मैं मोहम्मदन के साथ भी खेला हूँ मोहम्मदन स्पोर्टिंग के साथ और दिल्ली एफसी के साथ भी खेला हूँ ऐसा करके ज़्यादा ऐसा क्लब में खेला हूँ अच्छा अपना फुटबॉल का जैसे आईपीएल का एक लीग होता है वैसे फुटबॉल का भी एक लीग होता है ना हाँ हाँ वो है आई लीग होता है आईएसएल भी होता है तो ओके आईएसएल खेल रहा है आप नहीं मैं नहीं खेल रहा अच्छा अभी तो आईएसएल चल रहा है आई लीग ओके चलने वाला है होप आई सी यू इन फ्यूचर इन आई एस एल लीग और इंडियन फुटबॉल टीम ओके 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 श्योर
Oh, he's famous in Nagaland. Yeah. Oh wow. Okay. Footballer से होते हैं ना? So guys, sports player से football player से मिलके हम लोग अब वापसी जा रहे हैं नीचे की तरफ को. अब एक पॉइंट पे भाई लेके जाएंगे जहाँ से पूरा विलेज हमको अच्छे से दिखेगा. बाकी यार वेदर तो काफ़ी अच्छा है यार आज, और यहाँ का वेदर भी ठीक ही है, ठंडा ठंडा है. रात के टाइम तो मतलब शाम को 5-6 बजे के करीब, 4 बजे करीब, 4-5 बजे करीब पूरा फॉग फॉग भी हो जाता है इस इलाके में. और कल तो शायद बारिश थी, बारिश की वजह से हो रखा होगा. आज पता नहीं होता है कि नहीं होता है. भाई इस टाइम पे ना हम एक माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं जहाँ पे भाई बता रहे थे ना कि लेके चलते हैं. यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है भाई इनका, और वो सामने ये जो स्कूल जहाँ पे अभी हम लोग गए थे, और वो पीछे ग्राउंड, और वहाँ उस तरफ पीछे वो जो भाई लोगों का स्टेडियम वगैरह था जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स क्लब में गए थे, उधर ही है सब कुछ. और ये सामने ये माउंटेन देख रहे हो, इस माउंटेन के टॉप पे आपको कुछ दिख रहा है, ये कोहिमा है ठीक है. और यहाँ पे इनका फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है. जब से हम यहाँ पे बैठे हैं ना, कम से कम 3 से 4 कपल है जो वापस चले गए. मुझे लग रहा है ना कपल्स का स्पॉट है, यहाँ पे बैठ के आराम से बैठते होंगे, अपना व्यू का एंजॉय करते होंगे. हाँ भाई जी. वही है ना, कुछ लोग और आए उधर बैठे हुए, और भाई जी मेरे साथ में. और बाकी यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है यार मेरा. मैं यहाँ पे आके बैठा ना, मुझे ऐसा था कि 5-10 मिनट बैठेंगे फिर चले जाएंगे, ऐसा मन कर रहा है यहीं पे बैठे रहो. मेरा आज का प्लान था कि अब आगे निकलेंगे इस जगह को छोड़ के, लेकिन भाई जी ने कुछ प्लान्स बनाए तो मैंने कहा थोड़ा बहुत भाई के साथ में एक्सप्लोर करते हैं. और भाई से थोड़ी सी दोस्ती अच्छी हो गई है, तो थोड़ा भाई हमको घुमाएंगे आसपास की जगह. तो बाकी अभी हम शाम को जाएंगे, रात को जाएंगे जो जगह बता रहे थे. हाँ रात को कुछ अब एडवेंचर करने जा रहे हैं भाई. क्या एडवेंचर करेंगे हम लोग? क्रैब कैच, कैचिंग क्रैब. भाई एक बार त्रिपुरा में तो किया है मैंने, अब देखते हैं, तब चलते हैं भाई के साथ में. भाई के कुछ फ्रेंड्स और भाई लोग, हम लोग सारे चलेंगे केकड़े पकड़ने, केकड़े पकड़ने के लिए. सो गाइस रात के ना 10 बज रहे हैं, और रात के 10 बजे ना मैं अभी नागालैंड के गांव के लोगों के साथ में यहाँ पे हॉर्नेट पकड़ने के लिए जा रहा हूँ. भाई हॉर्नेट के होते हैं ना, मधुमक्खी होती है बड़ी बड़ी, यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं उसको खाने के लिए. और लगभग वो होती भी बहुत महंगी है भाई, मार्केट में बिकती है ना तो 1000-1200-1500 रुपये किलो बिकती है. और अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं हॉर्नेट, दिखाता हूँ आपको ये लोग कैसे हॉर्नेट पकड़ते हैं ठीक है. चलो सो गाइज, हाँ हम लोग ना जंगल में आ चुके हैं, और मेरे साथ में दो भाई हैं. हेलो भाई. हाय. तो ये दोनों भाई हैं, भाई ये वो तगड़ी शिकारी हैं. तो भाई ये पूरा अपना बाल्टी वाल्टी लेके आए हैं, देख रहे हो बाल्टी में ये मधुमक्खी लेके जाएंगे. और वो मधुमक्खी भी भाई भाई बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब एक एक इंच का एक मधुमक्खी होता है, वो वाला मधुमक्खी ये लोग लेके जाएंगे. ओके, यू आर नॉट कमिंग? आई एम कमिंग. ओके. रहता है लेकिन Or Yeah, we made it. It's an artificial cave. That's why I came northeast to experience that kind of things. खाने के लिए बहुत अच्छा है. हाँ मेरे को ऑफर किया था किसी ने मणिपुर में.
वो भी नागा ही थे, वो लेके आए थे पैक करके, पता नहीं बॉइल्ड था वो शायद, वाइट वाइट था बिल्कुल। हम तो मेजॉरिटी ऑफ अस वी डोंट हैव एनी अगेंस्ट रिलीजियंस, हिंदू और मुस्लिम और या क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट और या जैनिज्म और सिखिज्म और क्या है ना, हम लोग ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर में तो हम लोग को बहुत क्या क्या बोलते ना, क्या क्या बोलता है, अरे हमको भी बोलता है, मेरे को भी बोलता है, कुर्ता खाता है, गुरु खाता है। All of us, we used to eat that, but not all of us, no? Used to, na? Not now, na? No, I don't consume that. Okay. Dogs and... You don't? Yeah. Some of us. But it's not mean that we are against women too. Our culture and our tradition was... I don't know when it was started, our origin. श्रीलंका हिस्ट्री अलग है, यस यस, दिल्ली का अलग है, सही बात, यूएसए का अलग है, वन देयर वंस देयर देयर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, यस, फूड कल्चर ट्रेडिशन तो वी नीड टू बी काइंड टू ईच अदर, यस, वी हैव टू हैव अ लाफ, या जस्ट दैट इट इन दुनिया इन द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी, या सो मेनी, सो मेनी। Oh, he wants to pick up all this actually. What is this one? These are very tasty. What are these? These are caterpillar now. Caterpillar. Yeah, like okay. They are like butterflies. Okay. They all start from eggs, and after that small caterpillars, and after that like this, and after that like what do you say? Like this, but sort of norm. Okay. After that they'll come up like this. Okay. And after that they'll like fly like measured ones, and then. They lay eggs and then died. Oh. Just that their life is... Life cycle. Yeah. Life cycle. Yes. Okay. Before, right? Now you kill them again? Actually, you are going to kill? Yeah, I'm killing. Okay. All of them are going to die. Actually, most of us, we don't eat all this. But these things are not new to us. Yeah. Not new for me now. For you also? Yeah. Okay, maybe you have experienced it. Yes, before. Yes. I have experienced. From here. In Manipur. Oh, Manipur. Yes, and I experienced crab also in Tripura. I gone with some locals to catch some crabs. Crabs. Yeah. From here. From the river, and I catch myself only with my hands. Achcha. Now they all are rest in peace. I heard that you are shifting to some other places tomorrow. Yeah. हम लोगों ने hornet निकाल लिए और वैसे ये रे भाई hornet. अभी बहुत सारे हैं अंदर, लेकिन भाई लोग सारे लेके नहीं जा रहे, इतना जितना चाहिए उतना लेके जा रहे हैं। और ये ना पहले आए थे यहाँ पे निकालने के लिए, लेकिन उस टाइम पे इनके ना फोन की लाइट वाइट सब खत्म हो गई थी, और ये ना डंक मारती हैं बहुत भयंकर, मतलब अगर डंक मार दिया तो पैर पूरा सूज जाता है, तो इसलिए लोग छोड़ के चले गए। अब दोबारा आए हैं इनको लेने के लिए वापस। देख रहे भाई साहब क्या रंग बिरंगे हैं, और ये वाली हॉर्नेट मैंने पहली बार देखी है। दे आर स्टिल अलाइव, मेक देम रेस्ट इन पीस। सो गाइज, ये ऐसा कुछ ना इसका घर होता है, मतलब ये लोग खुद से बनाते हैं इनके लिए ऐसा आर्टिफिशियल केव टाइप का, तो इसमें आके ये हॉर्नेट रहती है, अपना घोंसला बना लेती है, मतलब जैसे भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, जो हॉर्नेट पकड़ के हम लोग लेके आए ना भाई रात में जंगल से, वो अभी मैं दिखाता हूँ। उस टाइम तो गंदी गंदी से दिख रही थी ना, अब तो भाई ने नहा धुला दिया भाई साहब इनको, बिल्कुल राजा बाबू बना दिया। लेकिन दे ऑल आर डेड नाउ, रेस्ट इन पीस। और भाई लोग बता रहे थे ना कि ये काटती है ना, तो पूरा भाई मैं पकड़ लू। दे आर डेड ना, आर यू श्योर भाई साहब? अब ये सीधा जाएंगे पेट में, दो तो मैंने भी खा ली। किंग हॉर्नेट भाई साहब, ये मतलब नागालैंड में, ओ भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है ये। सी देम भाई साहब,
भाई नागालैंड के लोग ना इसको बहुत पसंद करते हैं और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है भाई। भाई कितनी खतरनाक लग रही है, छोड़ दो इनको, जिंदा हो जाएगा। जो वो हॉर्नेट पकड़ के लाए थे ना, ये देखो पतीला भाई साहब, ये पतीला भर के बना दिया है हॉर्नेट का, दिखाता हूँ आपको बिल्कुल। ये देख रहे हो, ये है वो हॉर्नेट्स। हाँ खाओ। ओके तो चलो भाई, उन भाई लोगों के साथ से ना भाई मैं अपने कैंप में वापस आ चुका हूँ और सोने की तैयारी करते हैं। काफ़ी देर उन लोगों के साथ मैं बैठे बात बात करी और अब मैं आ चुका हूँ वापसी अपनी कैंपिंग लोकेशन में। बाकी यार यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, मेरे को तो ठंडा लग रहा है कसम से, इस जगह पर ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई। उन लोगों ने बोला मेरे को कि आप भी ट्राई करो हॉर्नेट, मैंने वीडियो तो शूट नहीं करी लेकिन मैंने भी खा लिया, लेकिन उसका टेस्ट कुछ मतलब ऐसा मैंने निगल लिया। एक्चुअली उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया कि खा के देखो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा इतना बोल रहे तो भाई लोग खा लेते हैं, मर तो नहीं जाएंगे खैर। बाकी मेरे को ना बस एक डर लगता है कि मैंने एक बार ना मैड हनी खाया था नेपाल में। अब वो मैड हनी तो पता नहीं क्या था, मैंने जब वो हनी खाया था ना उसको खाने के बाद भाई 2 दिन तक मेरे पेट में बहुत भयंकर दर्द हुआ था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना डरता हूँ इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं खाता नहीं हूँ। इसलिए कोई भी मेरे को बोलता है ना कुछ खाने को नागालैंड को, मैं बोल देता हूँ भाई मैं वेजिटेरियन हूँ ताकि मुझे नहीं खाना पड़े, क्योंकि पता नहीं मेरा पेट कैसे रिस्पॉन्स करेगा, मेरा कहीं तबीयत वबीयत ख़राब हो जाए, तो मेरे को वो डर ज़्यादा लगता है। बाकी ठीक है यार, नई चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने आए हैं, तो अब उनका कल्चर है तो कल्चर रिस्पेक्ट करते हुए हम भी थोड़ा सा कभी कभी कर लेते हैं ठीक है। लेकिन बस 1-2 पीस खाए मैंने, उन्होंने एक पीस तो पहले वैसे खा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये वाला खाओ, ये वाला बहुत अच्छा होता है, ये मेन यही होता है, तो फिर वो भी खाया जैसे तैसे खा लिया भाई। तो बाकी ठीक है, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत मज़ा आया। रात के टाइम पे हम लोग गए थे हॉर्नेट पकड़ने। वैसे जो वो हॉर्नेट का सीन था ना, देखो वो एक्चुअल नहीं था, वो आधा प्रोसेस था ठीक है। आधा प्रोसेस वो ऑलरेडी करके जा चुके थे, फिर हुआ गया था, मैं बताता हूँ आपको। वो लोग गए थे हॉर्नेट कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, वो लेके आ गए, उनकी टॉर्च वॉर्च सब खत्म हो गई, लाइट वेट खत्म हो गई थी, और तो वो ना जितना लेके आए लेके आए, बाकी उन्होंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं, अगर उन्होंने डंक मार दिया पूरा हाथ पैर सूज जाता है, तो वो इसलिए बाकी के वहीं छोड़ के आ गए थे। फिर दोबारा से वो मेरे साथ में गए कि चलो आपको दिखाते हैं, फिर हम लोग फिर से दोबारा से वो हॉर्नेट पकड़ के लाए। और इनको बॉयल करने का तरीका मतलब इनको पकाते कैसे, ये ना बस सीधा बॉयल कर देते हैं मसाला सा डाल के और कुक हो जाता है। और भाई बहुत चाव से खाते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई हॉर्नेट। मेरे को ये दूसरे बंदे थे जिन्होंने हॉर्नेट ऑफ़र किया, बाकी जब पहली बार ऑफ़र किया था तो मैं उस टाइम तो नहीं खाया, और उन लोगों ने थोड़ा मेरे को फोर्स भी नहीं किया, लेकिन इस बार इन लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि खा के देखो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मैंने कहा कि भाई लोग बार बार बोल रहे हो, सारे लोग बोल रहे थे, तो मैंने खा लिया फिर ठीक है। बाकी ठीक है, टेस्ट के बारे में क्या ही बात करें यार, क्योंकि मैंने टेस्ट तो किया नहीं, सीधा निकल लिया था। बाकी उसके मसाले वसाले थोड़ा टेस्ट लगे थे, अच्छे थे। बाकी चलो ब्लॉग को इतने ही रखते हैं। बाकी पता नहीं अब नागालैंड में क्या क्या एडवेंचर बाकी है मेरे लिए, कुछ नहीं पता है, देखते हैं क्या क्या होता है नागालैंड में। और नागालैंड के लिए भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी नागालैंड में मुझे 2-3 दिन हुए हैं ठीक है। बाकी मुझे पता है कि नागालैंड में मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, बहुत सी नई नई चीज़ें देखने वाला हूँ, बहुत कुछ है भाई नागालैंड में ठीक है। बाकी नागालैंड से इतने सारे लोग मेरे को मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं नागालैंड से, भाई दिल खुश होता है जब नागालैंड से आता है ना कि आई एम फ्रॉम हेयर। लेकिन हो क्या रहा है ना कि जब मैं जिस जगह से निकल जा रहा हूँ उस जगह से मेरे को कमेंट आ रहे हैं। भाई अगर मेरे को रियल टाइम पे कमेंट आए और उस टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँचूँ, लोगों से मिल पाऊँ, एक्सप्लोर कर पाऊँ उनकी नेटिव जगह, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई आप मेरे को ना ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देख के कि आप बोल रहे हो कि मेरी वीडियो को भूल जाओ, आप नागालैंड में कहीं से भी हो ना, आप मेरे को कमेंट करो कि इस जगह से मैं हूँ और यहाँ पे आना, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। और कमेंट भी करो साथ में, मेरे को ना इंस्टाग्राम पे DM भी कर देना, क्योंकि मैं भाई सोलो हूँ, मेरे को चाहिए लोग जो मेरे को हेल्प करें एक्सप्लोर करने में, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता है कुछ भी ना, रिसर्च करके मेरे को मतलब ChatGPT पे देख रहा हूँ या गूगल पे देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता लगेगी वो ऑफबीट प्लेसेस। मेरे को ऑफबीट प्लेसेस ज़्यादा पसंद है, मेरे को ऐसा टूरिस्टिक प्लेस फेमस प्लेस कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को कल्चर देखना है, लोग देखने हैं, गाँव देखना है, कल्चर देखना है ठीक है। तो उसमें आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट वमेंट करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नागालैंड के बाद हम लोग जाएंगे अरुणाचल, अगर आप अरुणाचल से भी देख रहे हो ना तो भाई कमेंट वमेंट करो कहाँ पे आना है नागालैंड में, मुझे अभी से DM कर दो भाई कि अरुणाचल में ये जगह है आपको आना है, मैं इस जगह से बोल रहा हूँ ठीक है, कमेंट वमेंट करना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़ इंडियंस। बाय बाय।